गुड मॉर्निंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साझा। आज आपका लास्ट पोर्शन है, लास्ट पॉइंट वीडियो है इस चैप्टर का, इसे ध्यान से देखेंगे। ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, आज डेट 2 मई सैटरडे, लास्ट चैप्टर, लास्ट पोर्शन है आपका। तो आज हम डिस्कस करेंगे, कल हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉइल, इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, कितने तरह सॉइल पाई जाती हैं, कितने बड़े एरिया में कौन सी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल। इसके अलावा हमने डिस्कस किया फॉरेस्ट और माउंटेन्स एंड नॉट डेजर्ट सॉइल, ठीक ना, उसके फीचर्स, उसके लोकेशंस, उसकी डिफिशियंसी, उसकी एफिशियंसी, और इसके अलावा कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, कौन से क्रॉप्स के लिए सुटेबल, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो आज हम उससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे सॉइल इरोशन के बारे में। लैंड डिग्रेडेशन की हमने बात की थी कि लैंड कैसे डिग्रेड कर रहा था, अब हम करेंगे सॉइल कैसे इरोड होता है, इरोशन की हम बात करेंगे। तो सॉइल इरोशन पहले है कि व्हाट इज सॉइल इरोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ द सॉइल इरोशन। देखेंगे सॉइल इरोशन इज द रिमूवल ऑफ द सॉइल, यानी कि पहले ये समझेंगे कि सॉइल है क्या, व्हाट इज सॉइल, डेफिनेशन देखा था कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड, दैट इज कॉल्ड सॉइल, यानी किसी भी लैंड का जो अपर सरफेस होता है उसको हम सॉइल कहते हैं। तो यहां क्या कह रहा है कि सॉइल इरोशन इज द रिमूवल ऑफ द सॉइल, ठीक ना, यानी कि अपर लेयर रिमूव कर जाए, वहां से हट जाए, अपनी जगह से हट जाए, कैसे हटे, बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर, नेचर के फोर्स, ठीक ना, लाइक विंड एंड वाटर। विंड के पास ये कैपेसिटी, आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जब तेज हवाएं चलती है तो धूल उड़ते हैं, धूल क्या है, तो धूल क्या होता है आपका सॉइल के जो एटम्स होते छोटे छोटे उनको उड़ाता है, या बारिश के समय बारिश होती है, चाहे वो फ्लड के थ्रू हो या बारिश के थ्रू हो, तो वो ऊपर के उसको क्या करती है, उसको रिमूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ द, ठीक ना, नेचर लाइक विंड एंड वाटर, ठीक है, इसको ये रिमूव करती है। इसके अलावा मोर रैपिडली देन द वेरियस, अब मोर रैपिडली देन द वेरियस सॉइल फॉर्मिंग, ठीक ना, मोर रैपिडली देन द मोर, यहां से देखेंगे प्लीज कि मोर रैपिडली देन द वेरियस सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कैन रिप्लेस इट। ऑल ऑफ यू नो दैट जो सॉइल का फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया था, सॉइल फॉर्मेशन की सॉइल बनते थे, ये जो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो क्या होता है कि सॉइल हमेशा फॉर्म होते रहते हैं, लगातार बनते रहते हैं, लेकिन जब उसके बनने की रफ्तार से कहीं ज्यादा रफ्तार से रिमूवल होना शुरू हो जाए तो बट नेचुरल, दैट इज दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सॉइल इरोशन, क्लियर। तो अगर इसको हम अगर सिंपल में लिखें तो ये कहेंगे द रिमूवल ऑफ द सॉइल, सॉइल क्या है हम डिफाइन कर लिया कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑफ द लैंड, द रिमूवल ऑफ द सॉइल बाय द नेचुरल फोर्सेस लाइक वाटर एंड विंड एंड आल्सो द ह्यूमन, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, हम पढ़ेंगे आगे कि ह्यूमन एक्टिविटी से भी रिमूव होती है, हमारी कुछ गलतियां हैं, ठीक है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसकी वजह से जो रिमूवल होता है और जो एक सॉइल के बनने की प्रोसेस है उससे ज्यादा कहीं रिमूव होना शुरू होता है, दैट पॉइंट इज, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सॉइल इरोशन, क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल इरोशन क्लियर है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल में सॉइल इरोशन जो नॉट सॉइल, सॉइल इरोशन, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोशन जो है दो तरह से होते हैं, एक तो हो गया पहला नेचुरल, दूसरा हो गया ह्यूमन फैक्टर, जो मैंने अभी इसमें केवल आपको नेचुरल फोर्सेस लिखे गए हैं, ह्यूमन फैक्टर भी इसमें आप एड कर सकते हो, ठीक है, यानी लिख सकते हो बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक विंड एंड वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटी एंड ऑल्सो ह्यूमन एक्टिविटी, लिख देता हूं, एंड वॉटर एंड ह्यूमन एक्टिविटी, यहां पर हो जाएगा एंड ह्यूमन एक्टिविटी मोर रैपिडली देन द इसके। तो यहां पे क्या होता है, दो तरह से आपके जो है सॉइल इरोशन होते हैं, एक नेचुरली होता है और एक ह्यूमन फैक्टर के थ्रू होता है, ह्यूमन फैक्टर के थ्रू भी आपका सॉइल इरोशन होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर में ऑलरेडी हमें भी मेंशन है कि वाटर और विंड के थ्रू आपका सॉइल इरोशन होता है, वाटर इरोशन एंड सॉइल इरोशन, है ना, विंड इरोशन। तो वाटर इरोशन तीन तरह के होते हैं, तीन तरह से नहीं होते हैं, बल्कि वाटर इरोशन के तीन स्टेजेस होते हैं, ठीक है,
फर्स्ट स्टेज को कहा जाता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द वाटर इरोशन, दैट इज नोन एज द सीट इरोशन. ठीक है, व्हाट इज द सेकंड स्टेज इज द नोन एज द रिल इरोशन एंड थर्ड स्टेज इज नोन एज द गल इरोशन. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सीट इरोशन क्या है. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आपकी लैंड या अर्थ की बाउंड्री है, ये आपकी बाउंड्री है. ठीक है, ये जो सरफेस जो है, ये जो आपका सॉइल का सरफेस है, ये बिल्कुल जो है पैरेलल है, स्मूथ है. ठीक है, बिल्कुल समतल है. ठीक है, अब क्या हो गया, ड्यू टू द वाटर, वाटर चूंकि चाहे वो फ्लड के थ्रू या मैंने जैसे कहा है रेन वाटर, दो ही होते हैं, रेन वाटर या फिर आपका फ्लड, इसके वजह से क्या होता है कि ऊपरी सतह को बहा के लेके चला जाता है. जब जब कोई ढलान होती है या पानी की फोर्स से बारिश होती है या फिर फ्लड आता है, तो वो उसकी फ्लड में चूंकि करंट होता है, रफ्तार होती है, तो अपनी उस वेग की वजह से, इस गति की वजह से वहां की मिट्टी को हटा देता है. या फिर बारिश होता है तो अपने दरवाजे पे देखा होगा, आस पास देखा होगा, जब पानी बहता है तो अपर मेस्ट लेयर को हटा देता है. तो किस तरह का फॉर्मेशन होता है, इस तरह का फॉर्मेशन. ठीक है ना, इसने क्या किया कि एक जगह के मिट्टी को उसने हटा दिया. ऐसे देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे, बल्कि ऐसे देखेंगे पानी जैसे आ रहा है, उसने क्या किया, ये जो पैरेलल था लेकिन वो पानी की रफ्तार की वजह से, फ्लड या रेन वाटर की वजह से, इस ये पोर्शन तो आपका एग्जैक्ट वही रह गया, लेकिन एक पोर्शन जो है, बीच वाला पोर्शन जो है, उसको उसने रिमूव कर दिया और वहां पे डाउन हो गया. तो इस पोर्शन में जब कभी जमीन, ये छोटे जगह की बात नहीं हो रही इरोशन, एक लार्ज एरिया की बात हो रही है. तो यहाँ पे जो है इस तरह का इरोशन जब क्रिएट होता है, तो ये फर्स्ट स्टेज होता है जिसको बोलते हैं हम शीट इरोशन. तो व्हाट इज शीट इरोशन, शीट इरोशन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द वाटर इरोशन. ठीक है, अब हम बात करेंगे रील इरोशन क्या होता है. अब इसके थर्ड स्टेज पे जाएंगे, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज. रिल इरोशन का मतलब हो गया कि जो आपने अभी यहाँ पर देखा कि फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि अपर मोस्ट लेयर को उसने हटाया, लेकिन लगातार अगर उसको चेक ना किया जाए, उसको अगर रख रखाव ना किया जाए, जमीन को बचाया ना जाए, ठीक ना, तो लगातार उसके फ्लड आते रहेंगे, बारिश हमेशा होती रहती है, ठीक ना, तो वो लगातार वो मिट्टी वहां की रिमूव होती रहेगी. और इसके बाद क्या होगा, जस्ट लाइक ए फिंगर, आप फिंगर को देख सकते हो, अगर ऐसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे डाउन हो जाता है, अप एंड डाउन, ठीक ना. तो इस तरह की जो है उसमें फॉर्मेशन, यानी कि आप इसको छोटे में देखिए, यानी कि आप इसको लार्ज कॉन्स्टेंट में देखें, तो इस तरह का फॉर्मेशन जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. यानी कि एक पार्ट जो है ऊपर रह गया और बीच का गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं, नालियों की तरफ बनने शुरू हो जाते हैं, और इस तरह का फॉर्मेशन आपका होता है, जिसको हम कहते हैं रियल इरोशन. दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द इरोशन. ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द इरोशन. ठीक है, अब थर्ड स्टेज क्या होता है, थर्ड स्टेज की इरोशन में क्या होता है कि आपके जो ये क्या है, फर्स्ट स्टेज पे अगर आपने इसको चेक कर लिया तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर उसको चेक नहीं किया, लगातार उस इरोड हो रहा है, लगातार प्रोसेस में कंटिन्यूस हो रहा है, तो सेकंड स्टेज में पहुंच जाएगा जो रियल इरोशन है. और उसको फिर भी अगर चेक ना किया जाए, उसको बैलेंस ना किया जाए, उसको रख रखाव ना किया जाए, उसको बचाया ना जाए, तो थर्ड स्टेज जो कि गली इरोशन है. इस पोर्शन पर गली, ऐसा नाम ही है गली, गली इरोशन का मतलब हो गया कि फिर जो है आपकी दरारे इतनी चौड़ी चौड़ी, लगभग 5-5 मीटर 6-6 मीटर का जो है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल बलिया में रहते हो, कटा नाला का एग्जांपल, और कटा नाला कितना चौड़ा भरा, इस तरह के नाले टाइप के नाले आप कह लो, नाले बनने शुरू हो जाते हैं, वहां से पानियां जो भी नदी किनारे लोग रहते होंगे, गांव होंगे, आपने देखा होगा, आपको जाने का मौका मिलेगा तो देखा होगा हर गांव के बाहर, गांव के जो पानी होते हैं ढेर बारिश का नदियों में मिलता है, और वहां पे बड़े बड़े नाले बन जाते हैं. तो वो क्या है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो भी क्या था, पहले कभी ना कभी समतल रहा होगा, लेकिन वो लगातार वहां पे उसको इरोड करते 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 उस पोर्शन में चला गया कि जहां पे आप वहां पे बड़े बड़े नाले बन गए. तो यहाँ पे जब इस पोर्शन पे चला जाता है, तो यहाँ पे किसी भी तरह की फार्मिंग एक्टिविटी नहीं की जा सकती है इस प्रोसेस में. और इस प्रोसेस में आप फार्मिंग एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन जब इस प्रोसेस में चला जाए, इरोशन चला जाए, वाटर इरोशन, तो फिर उसको जो है रोकना मुश्किल होता है. क्लियर, तो वाटर नेचुरल इरोशन में दो इरोशन है, वाटर इरोशन एंड विंड इरोशन. वाटर इरोशन के तीन स्टेजेस होते हैं, सीट इरोशन, रिल इरोशन एंड गली इरोशन. ठीक है, तो ये तीन तरह के आपके इरोशन होते हैं. इसके अलावा
अब हम बात करेंगे नेचुरल इरोशन का जो है सेकंड पार्ट है विंड इरोशन। विंड के थ्रू भी होती है, खासकर जहां पे कॉन्स्टेंट हवाएं बहती रहती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड का जो इलाका है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो है तेज रफ्तार से हवाएं बहती रहती है। या फिर हमारे यहाँ पे नॉर्थन इंडिया में जो लू बहता है, ठीक है ना, अपने देखो गर्मी के मौसम तेज हवाएं बहती हैं, ठीक है ना, इससे क्या होता है कि अपर मोस्ट लेयर को करता है वो उसको उड़ा के लेके चला जाता है। तो विंड के द्वारा भी सॉइल का इरोशन होता है, ठीक है। तो ये आपके नेचुरल इरोशन क्लियर हो गए। पहला टाइप्स ऑफ सॉइल इरोशन में नेचुरल इरोशन, जिसमें वाटर इरोशन है, विंड इरोशन है। वाटर इरोशन के 3 स्टेज होते हैं और विंड इरोशन कोई स्टेज नहीं होता, विंड इरोशन लगातार होते रहते हैं, क्लियर। अब हम बात करेंगे ह्यूमन फैक्टर्स। ये तो हो गया नेचुरली जो नेचर के थ्रू होता है, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, बारिश को ना हम रोक सकते हैं, ना हवाओं को हम रोक सकते हैं, हाँ हम उसको बचा सकते हैं। डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी कंजर्व द सॉइल, सॉइल इरोशन को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, हम किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोशन के लिए, क्या हम में क्या कमियां, हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोशन होता है। उसमें पहला पॉइंट है आपका डिफॉरेस्टेशन। बट नेचुरल है कि जब आप पेड़ों की कटाई करते, हमने डिस्कस किया था कि लगभग 1600 सेंचुरी में हमारे इंडिया का लगभग 80% पार्ट वॉज एरिया वॉज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। नाउ व्हाट इज, अब हमारा कितना है, नियर अबाउट 22%, ठीक ना, जो कि 1960 तक कहां पहुंच गया था, 18% के आसपास पहुंच गया था। हालांकि अब हमने उसमें इंप्रूवमेंट किया और हम 22% तक पहुंचे हैं, लेकिन जो इकोलॉजिकल बैलेंस हमने डिस्कस किया था कि 33% चाहिए किसी भी नेशन का या किसी भी एरिया के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, फॉरेस्ट लगभग 33% एरिया होना चाहिए, उस समय हम लगभग 11% पीछे हैं। तो कहने का मतलब है कि डिफॉरेस्टेशन, ये डिफॉरेस्टेशन हुआ क्यों, क्यों हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हमें रोड साइड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके अलावा लिविंग रोड के लिए हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए उसको जरूरत थी, इसलिए हम उसको काटना और उसको यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हमें उसको डिफॉरेस्टेशन का मतलब होगा कि बिना किसी रीजन के ओवर यूज ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक ना, अगर आप पेड़ काट रहे हो, पेड़ लगा रहे हो, तो उसकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। लेकिन हमने क्या किया, पेड़ को काटा, लगाया नहीं, उसकी जगह प्लांटेड नहीं किया। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर डिफॉरेस्टेशन आपको जानते हैं कि जो पेड़ की क्वालिटी होती है, पेड़ जहां पे लगे होते हैं वो मिट्टियों, उसी जड़े मिट्टियों को पकड़ती है, ठीक ना, इसलिए जो है अगर पेड़ों को काट देंगे तो बट नेचुरल को इजिली वहां से जो है वो सॉइल को इरोशन होने के चांसेस हो जाएंगे, चाहे वो नेचुरल, चाहे वाटर के थ्रू हो या फिर विंड के थ्रू, ठीक है। इसका एग्जांपल देता हूं कि आपने देखा होगा बांध बने हुए देखेंगे, रोड देखे होंगे आपने, जब रोड बनते हैं उसके किनारे में पेड़ लगाए जाते हैं। कभी सोचा है पेड़ क्यों लगाए जाते हैं, पेड़ इसलिए नहीं लगाया जाता कि जो हम लोग बाइक से या गाड़ी से या पैदल जा रहे हो तो आपको छांव मिलेगी, बल्कि पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं कि रोड जो होता है लैंड के सरफेस हाइट पे होता है, और जब हम पेड़ को दोनों तरफ से लगाएंगे तो उसकी जड़ें जो होती है उस मिट्टी को पकड़ के रहती है, अदरवाइज क्या होगा, बारिश की वजह से वो गिर जाएगा, ठीक ना। तो पेड़ हर बांध होगा, चाहे डैम होगा, ठीक ना, बांध होगा या फिर कहीं पे रोड बन रहे होंगे, उसके दोनों तरफ पेड़ इसी वजह से लगाए जाते हैं ताकि वो मिट्टी को अपहोल्ड करके रखे किनारों को और उसको गिरने ना दे, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो क्यों हुआ, किसने किया, हमने किया, नेचुरली नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड, ओवर ग्रेजिंग, जो हमने डिस्कस किया था, ओवर ग्रेजिंग लैंड डिग्रेडेशन में पड़ा था, लेकिन ये सॉइल इरोशन का भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ओवर ग्रेजिंग अभी हमने डिस्कस किया था, लैंड यूटिलाइजेशन फैक्टर पढ़ा था, कितना लैंड रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं, इसमें पढ़ा था लगभग 3.7 लगभग 4% के आसपास जो है ओवर ग्रेजिंग पॉस्चर है हमारे पास, ग्रासलैंड्स है। तो हम क्या है, हमारी डिपेंडेंसी जो है, हम गर्मी दिनों में क्या होता है, मैक्सिमम जो है हमारे इलाकों होते हैं इंडिया में, वहां पर ड्यू टू द लैक ऑफ द इरिगेशन सिस्टम हम उस जायद क्रॉप नहीं उगा पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जमीनें खाली होती हैं और उस खाली जमीनों में हम जो है क्या करते हैं, अपने जानवरों को ग्रेजिंग कराते हैं। जब जानवर ग्रेजिंग करते हैं तो उनकी हूप्स की वजह से वो मिट्टियां कट जाती हैं, ठीक ना, बार बार उनकी जगह पे कुछ इलाकों में गाय जो जानवर होते हैं जब वो ग्रेजिंग करने जाते हैं तो उनके हूप्स जो खूर होते हैं उससे मिट्टियां कट जाती हैं और अपर मोस्ट लेयर सॉइल होता है वो लूजन अप हो जाता है, जिसकी वजह से जब हवाएं बहती हैं या वाटर आता है चाहे फ्लड का हो या रेन वाटर का, इजिली उसको रिमूव करके चला जाता है। और उसके ऊपर घास जमी रहे, घास उसको जकड़ी रहे, तो फिर उसको रिमूव करना आसान नहीं होता है। तो ओवर ग्रेजिंग इज द ऑल्सो द रिस्क फैक्टर फॉर द सॉइल इरोशन, क्यों होता है, हम कराते हैं, ह्यूमन फैक्टर है। अगला है फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। अब खेती हम करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो हमारे कुछ जो हमारे मेथड हमने अपनाया है वो गलत है। फॉल्टी मेथड का एग्रीकल्चर क्या है,
ठीक ना। हम इसमें बात करेंगे यहाँ पे इसमें आगे क्वालिटी मैटर की, हमारी जो खेती करने के जो तरीके हैं उसमें कहीं ना कहीं हम गलतियां करते हैं, जिसमें हम काउंटर प्लाउइंग करनी चाहिए, ठीक ना, स्ट्रिप प्लाउइंग करनी चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको आप कह सकते हो उसमें और भी जैसे प्लांटेशन करनी चाहिए, घास लगानी चाहिए, मेड़बंदी करनी चाहिए, कई सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए प्लाउ में जो हम नहीं करते, क्रॉप रोटेशन प्रोसेस अपनाना चाहिए। इन सारी चीजों की कमी की वजह से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हमने कल्टीवेशन नहीं कर पाते, एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हम, इस वजह से भी हमारा जो है वो मिट्टी जमीन जो है खाली होती है और आराम से जो है आपका सॉइल के थ्रू या वाटर थ्रू इरोड हो जाता है। अब हम बात करें, ये तो हो गया कि सॉइल इरोशन कैसे होता है, क्या क्या उसके फैक्टर्स है, क्या क्या उसके रीजन है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी कंजर्व आवर सॉइल, सॉइल इरोशन से हम अपने सॉइल को कैसे बचा सकते हैं। आगे हमने पिछले पढ़ा था सॉइल कंजर्वेशन, उसमें हमने डिफरेंट किया था लैंड यूज पैटर्न में कैसे उसको बचा सकते हैं। यहाँ पे कि सॉइल इरोशन से हम कैसे बचा सकते हैं, उसमें पहला पॉइंट है एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाए, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हम करें, उन खाली जगहों पर जो भी बेकार पड़े हुए हैं चाहे वो हमारे घर के आसपास हो या हमारे खेतों में हो, मेड़ों पे हैं, ज्यादा ज्यादा प्लांटेशन करें ताकि वो जमीन को पकड़ के रखें और वो उससे क्या होगा कि आपका जो है रिमूवल ऑफ द सॉइल रुकेगा और आपका सॉइल इरोशन रुकेगा। तो एफॉरेस्टेशन में प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, हम जितनी पेड़ लगाएंगे उतना ही सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं। अब सारी जगह तो पेड़ लगा नहीं सकते हैं क्योंकि हमें उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, हमें कल्टीवेशन भी एग्रीकल्चर भी करना है। मैं बात कर रहा हूँ उन खाली जगहों को जिसपे हम कोई जैसे कोई आपके घर के आसपास का आपके आगे का पीछे का कुछ ऐसी जगह है जिसका कोई यूज नहीं है, आपने इसे छोड़ा हुआ है, तो वहां पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं। आपके जो फील्ड है, जो जमीन है, उसके किनारे का जो मेड़ है उस पर आप प्लांटेशन की जा सकती है, जो आप लोग कर भी रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है। दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग एनिमल्स, इसके अलावा एनिमल्स की जो अनवांटेड ग्रेजिंग होती है, जो ओवर ग्रेजिंग होती है, उसको रोका जा सकता है। घास है आप ग्रेजिंग करा रहे हो, दैट इज फाइन, लेकिन घास नहीं है फिर भी आप, या घास बहुत छोटे हो चुके हैं फिर भी आप ओवर ग्रेजिंग करा रहे हो, उससे क्या होगा कि धीरे धीरे हुक से वो मिट्टी कटनी शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि ऐसी ग्रेजिंग जो एनिमल्स से जो अनवांटेड है, जो कि ओवर यूज हो रहा है, उसको रोकना होगा। थर्ड, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, डैम्स बनाने से क्या फायदा होगा, डैम्स आपको पता है कि फ्लड, डैम बनाने से सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि अब फ्लड आने की रफ्तार आपने सुना होगा अपने दादा दादी से, पहले बहुत फ्लड आया करता था, ठीक ना, अब फ्लड उतना नहीं आता। उसका रीजन है कि अब नदियों के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, तो जितना ज्यादा हम डैम्स बनाएंगे उतनी ज्यादा फ्लड को हम कंट्रोल कर पाएंगे, नदियों के फ्लड को कंट्रोल कर पाएंगे। तो जब फ्लड को कंट्रोल करेंगे तो फ्लड के थ्रू जो होने वाला जो सॉइल इरोशन है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमें डैम, और डैम का जानते हो डैम इज ऑल्सो नोन एज द मल्टी आप कह सकते हो उसको कि बहुत उसका यूज होता है, आप उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक ना, उसमें आप फिशिंग कर सकते हैं, उसमें आप इरिगेशन नहरें निकाल सकते हैं, ठीक ना, उसमें आप जो है वाटर वेज बना सकते हैं, तो कई सारे उसके फायदे होते हैं, ठीक ना। तो इसलिए डैम्स जितना ज्यादा डैम ज्यादा बनाते हैं हम फ्लड को, कुल मिलाकर डैम बनाने का इससे नहीं मतलब है फ्लड को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग फ्लड को कंट्रोल करना, फ्लड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है प्रॉपर फार्मिंग मेथड, जो मैंने यहाँ डिस्कस किया था फॉर मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर फार्मिंग मेथड, हमें सही तरीका अपनाना होगा फार्मिंग का। क्या है पहला, क्रॉप रोटेशन। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव में जो लोग खेती करते हैं, देखा होगा कि एक ही जमीन में एक ही तरह की फसल नहीं बोया जाना चाहिए, हमेशा क्रॉप को रोटेट करना चाहिए। इसका मतलब कि इस बार जिस खेत में जिस फील्ड में आपने वीट बोया है, अगली बार उसमें रबी की फसल में वीट ना बो के उसमें चना उड़द जो भी बो सकते हैं, जो भी रबी की फसल है डिफरेंट टाइप्स का। खरीफ में अगर अभी आपने उसमें किसी में मक्का बो दिया है, अगली बार उसमें आप जो मूंग बो दे या फिर आप कोई भी और चीज जैसे कॉटन हो गया, कोई भी चीज जो खरीफ की फसलें होती है उसको आप, यानी कि एक ही जमीन में हमेशा एक ही तरह की फसल नहीं बोना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब क्रॉप रोटेशन करते हैं तो अलग अलग जो है प्लांट्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, जो हमने पढ़ा था सॉइल की, तो अलग अलग प्लांट्स के लिए हम अलग अलग फर्टिलाइजर्स देते हैं, ठीक ना। और बहुत सारे ऐसे जैसे कि खासकर जो दलहन जो आपके होते हैं, जैसे कि आपका उड़द कह लो, चना कह लें, मसूर कह लें, मटर कह लें, ठीक ना, ये जो होते हैं इसमें नाइट्रोजन की, इसके पत्तियों में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है और आपने देखा होगा इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो इससे क्या होता है सेल्फ जो है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि उनमें आप कह सकते हो कि
फर्टिलिटी जो होती है रिगेन होती रहती है, सेल्फ स्वयं होती रहती है और जिससे फायदा होता है और उसका जो फर्टिलिटी खत्म नहीं होता। तो सॉइल इरोशन का मतलब है केवल अपर लोमोस्ट लेयर कटा नहीं बल्कि फर्टिलिटी भी डिग्रेड ना होनी चाहिए। तो क्रॉप रोटेशन कर सकता करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। रिड्यूसिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में आप जब पढ़ोगे सबसेट एग्रीकल्चर होता है और प्राइमेटिव एग्रीकल्चर होता है, कई जगह उसमें एक आता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसमें होता है जो पहाड़ी इलाकों में परफॉर्म किए जाते हैं। वहां पे क्या होता है लोग पास उतनी मॉडर्न इनपुट्स नहीं होते हैं ठीक ना, और होते हैं एडवांस टेक्निक नहीं होती है, तो लोग क्या करते हैं एक जमीन को साफ करते हैं फिर उसको बर्न करते हैं और उसकी रात में ही जब बारिश आता है तो उसमें बीज को डालते हैं और उगाते हैं। फिर जब उसमें फर्टिलाइजर यूज नहीं करें तो एक दो साल में उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, फिर उस जगह को छोड़ के आगे तरफ निकल जाते हैं। जगह को उसने छोड़ दिया ठीक है, वहां से फिर से फर्टिलिटी रिगेन करेगा, पेड़ पौधे उगेंगे, लेकिन इस दो चार सालों पांच सालों तक जब छोड़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा सॉइल इरोशन भी होता है। तो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हमें रोकना होगा। कैसे रोक सकते हैं, हम वहां पे मॉडर्न इनपुट्स प्रोवाइड करें, उनको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करें, उनको एसआईटी एग्रीकल्चर सिखाएं उनको, ताकि वो एक जमीन को छोड़ के आगे की तरफ ना जाए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और दूसरे डिफोरेस्टेशन ना करें। तो रिड्यूसिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को भी रोक के हम सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं। प्रॉपर फार्मिंग मेथड्स के अलावा टेरेस काउंटर बाउंडेड टेरेसिंग, टेरेस में सीढ़ी नुमा, खासकर ये जो एग्रीकल्चर मेथड है ये हिली एरिया में परफॉर्म किया, क्योंकि हिली एरिया में स्लोप होता है तो अगर आप पानी यहाँ पे इरीगेट करोगे तो पानी नीचे चला जाएगा, इसलिए वहां पे क्या होती है मेड़बंदी की जाती है ठीक ना, स्ट्रिपिंग की जाती है ऐसे तरह से ठीक ना, मेड़ बनाई जाती है ताकि पानी जो है उस पर जैसे आपका क्या होता है जैसे सीढ़ी बनती है तो सीढ़ी के ऊपर पानी जब जाता है तो एक सीढ़ी से दूसरे पे जाता है, फिर पैरल होता है, फिर उसकी रफ्तार कम होती है और ऐसे जाता है तो वो धीरे धीरे गिरता है, उसी को अगर स्लोप कर दिया तो पानी तेजी के साथ जाएगा तो ज्यादा सॉइल इरोशन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि टेरेसिंग मतलब सीढ़ी नुमा हम उसको बनाएंगे, उस जमीन को बनाई जाती है ताकि वाटर के फ्लो को हम रोक सकें जिससे कम से कम सॉइल इरोशन हो। इसके अलावा काउंटर प्लाउइंग क्या है, जब खेत जब हम जुताई करते हैं तो उसमें एक प्लाउइंग मेथड होता है जिसको आपने गांव में देखा होगा ठीक ना, काउंटर प्लाउइंग, ये मान लीजिए आपकी जमीन है ठीक है, इस जमीन पे आप प्लाउइंग कर रहे हो ठीक है, मान लीजिए आपने इस तरह से प्लाउइंग कर दिया, खेती जुताई ऐसी होती है या फिर ऐसे कर दो ना, तो आपने ऐसे प्लाउइंग कर दिया तो क्या हुआ, जब आप ऐसे प्लाउइंग करते हो तो इसमें एक नाली टाइप का बन जाता है, देखा होगा ड्रेनेज टाइप का बन जाता है, और जब बारिश का पानी होता है तो क्या होता है वो बारिश का पानी होता है तो फिर वो ड्रेनेज उस नाली के थ्रू बहना तेजी से शुरू होता है और फ्लो करके उस मिट्टी को लेकर कहीं और चला जाता है, या दूसरे खेतों में यहाँ ढलान होता है स्लोप होता है उधर लेके वो चला जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं काउंटर प्लाउइंग होता है कि आप जब खेत की प्लाउइंग कर रहे हो जुताई कर रहे हो तो दो बार करें, एक बार ऐसे करें और एक बार ऐसे करें, इससे क्या हुआ जब आपने एक बार ऐसे खेत की जुताई की तो एक नाली बन गया, लेकिन अगर आपने दो बार ऐसे कर दिया तो इसमें बैरिकेटिंग हो गया, ये बैरिकेट हो गया कि ये पानी जो है यहाँ से नहीं जाता क्योंकि बैरिकेट हो चुका है, या फिर यहाँ से इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये बैरिकेट हो चुका है। आप ऐसे केवल कर देंगे या फिर ऐसे कर देंगे पानी आराम से ड्रेनेज होके निकल जाएगा ठीक ना, लेकिन जब आपने काउंटर प्लाउइंग कर दिया ठीक ना, अब क्या होगा ना पानी इधर से और ना ही पानी इधर नहीं कहीं भी आगे नहीं जा पाएगा, पानी उसी में रुकेगा जिससे क्या होगा उसकी फर्टिलिटी रिटेन होगी, सॉइल वाटर सॉइल इरोशन जो होता है वो नहीं होगा। तो काउंटर प्लाउइंग मेथड भी अपनाया जाना चाहिए है ना, इसके द्वारा जो है हम इसको सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं। क्लियर, तो आज के टॉपिक में दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो आज ये आपका चैप्टर जो है ये खत्म होता है, कल हम इस पर डिस्कस करेंगे, मैं आपको कल आपको एनसीईआरटी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और साथ ही साथ जो मैथ वर्क है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ठीक है, या हो सकता है मैं आज ही आपको ये प्रोवाइड कर दूं क्योंकि कल तो संडे है ठीक ना, तो एक वीडियो मैं आपको और बनाऊंगा आज ही उसको मैं आपको डालूंगा फिर से ठीक ना, ताकि वो मैथ वर्क मैं आपको इसमें दिखा सकूं कौन कौन सा मैप वर्क करना, जो मैप वर्क आपको पीछे दिया गया उसको हम करेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक ना, जो मैं आपको दूंगा आपको नोट्स पे लिखने एनसीईआरटी क्वेश्चन करने आपको, बाकी कैंडिडेट के जो क्वेश्चन है जो मैंने कहा कि हर टॉपिक बाद क्वेश्चन आप पुट अप करेंगे, मुझे लगता है कि आपने किए होंगे, नहीं किए होंगे तो फिर वो आपके इंटरनल मार्क्स में प्रॉब्लम होगी, जैसा कि जानते हो सकता है बोर्ड आपकी बार इंटरनल मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपके नंबर प्रोवाइड करने के लिए बोलेंगे ठीक ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि आप ये जानते हो कि आपको नंबर किसी कहने पे किसी सिफारिश पे आपको मिलने वाले नहीं है,
आप जैसा करोगे, जितना अच्छा करोगे उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट डजंट मैटर हु आर यू, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए कि आप कौन हो, किसके कहां से बिलोंग करते हो, ठीक ना। तो आपके साथ जैसा आप करोगे वैसे ही आपको मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक ना। तो इस चैप्टर कंप्लीट होता है कल, आज ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना, जिसमें आपको मैथ्स, ठीक ना, और क्वेश्चंस को जो है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक ना, खासकर जो मैथ करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप एनसीईआरटी जो मैं आपको नोट्स जो है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप उसको करेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन में ठीक है आप देख सकते हो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक ना। तो लगभग जब आप ये इसको कर रहे होंगे तो सारे आपके क्वेश्चन आप ध्यान से जाएंगे, जैसे कि व्हाट आर द ह्यूमन रिसोर्स, जब मैंने पढ़ाया था उसी में ह्यूमन रिसोर्स नॉन ह्यूमन रिसोर्स क्लियर हो चुका, मैं क्वेश्चन पूरा करने के लिए व्हाट आर नॉन ह्यूमन रिसोर्स गिव टू एग्जांपल, दो एग्जांपल देने क्लियर हो गया। कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू बायोटिक एबायोटिक, बायोटिक एबायोटिक में, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग किसे कहते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द लैंड माउंटेन में कितना है, 30%, ठीक ना, रेडियस कितना है, 27%, कितना जो है आपका प्लेन है, 43%, डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी है हमने। व्हाट इज द नेट जोन एरिया, डिस्कस किया था कि दोज लैंड विच आर कल्टीवेटेड वंस इन ए ईयर, दैट इज नोन एज द नेट जोन एरिया, एंड व्हाट इज ग्रेस ग्रॉस जोन एरिया, दोज लैंड विच आर कल्टीवेटेड मोर देन वंस इन ए ईयर प्लस नेट जोन एरिया, दैट इज नोन एज द ग्रॉस जोन एरिया, ठीक है। तो ये हम कल और भी डिस्कस आपको कर दूंगा, इसको अभी आप कोशिश करेंगे, जो भी नहीं समझ में आएगा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा इसमें मैप वर्क दिया गया है, एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट वर्क, मैप भी दिया गया जैसे कि दिखाया गया यहाँ पे, ऑन एन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मार्क एलुविलियल सॉइल जो मैंने कहा था जो आप बनाएंगे वो ऑलरेडी ऑल मेंशन है, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल और डेजर्ट सॉइल। तो ऑलरेडी आपसे जो मैंने कहा कि जो मैप बनाएंगे तो ऑलरेडी मैंने बताया, कल जो मैंने आपको बताया था चार्ट के थ्रू उसमें बताया था कि कैसे आपको पूरा वो मैप लगाना है, वो हैंड हाथों से आपका ड्राइंग होने चाहिए, ना कि आप खरीद कर लगा लोगे, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट है, कल हम आज ही मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा, ताकि संडे को जो आपका जो छुट्टी मिल रहा है उसमें आप इसको पूरा करके और इसको आप मेरे पास सेंड कर सके। बहुत सारे बच्चे अभी कॉपीज नहीं मिल रहे हैं, ठीक ना, तो बाकी मैं वो एक्शन लूंगा छोड़िए, उसके बाद आप इसको कीजिए, बाकी मैं दे दूंगा, ओके। तो स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो वी आर फेसिंग ए ह्यूज प्रॉब्लम थ्रू आउट द वर्ल्ड, ओके, वी कांट डू एनीथिंग, वी डोंट हैव एनी आइडिया, इवन द होल वर्ल्ड डोंट नो व्हाट कैन दे डू, पूरी दुनिया को पता नहीं वो क्या कर सकते हैं, ठीक ना। तो बेस्ट यही है, देश के लिए यही कर सकते हैं कि अपने घर पे रहें, ठीक ना, अपने सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। टिल नाउ, टिल देन, बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद।